हाँ जयंत जी, जयंत जी रांची में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और उसको लेकर जमशेदपुर में भी तैयारियां हो रही है। आज कांग्रेस नेताओं ने बैठक करके कुछ कहा है, क्या कहा है उन्होंने? जी देखिए विनोद जी, आपको बता दें आज कांग्रेस नेता फिरोज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है जानकारी। 24 तारीख को यानी कल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गड़ी आ रहे हैं जमशेद रांची के, सभा है उनका एक, जिसको लेकर के आज फिरोज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनका कहना है हम लोग आज रांची सुबह गए थे, हमारी इमरान प्रताप गली से फोन पे बात हुई थी, जाकर के रांची में आप देखे क्या तैयारी चल रही है, तो फिरोज खान ने कहा हम लोग गए थे, काफी जोर शोर से तैयारी चल रही है। और आपको बता दें जमशेदपुर से कम 100 से 150 गाड़ी जाएगा रांची, इसको लेकर के पूरी तैयारी हो रही है हम लोग की और सभी तैयारी हो चुका है। सुबह ही सुबह हम लोग रांची के लिए रवाना होंगे और इमरान प्रताप गड़ी की स्पीच को सुनेंगे। जी जी कितने लोग इसमें आने की संभावना जताया जा रहा है? देखिए रांची जाने के लिए जमशेदपुर से तो बताया जा रहा है आपको 100 से 150 गाड़ी, ये लोग मानदो आजाद नगर रोड नंबर 17 और भी जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों से गाड़ी सब जाएगी और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे इमरान प्रताप गली की आवाज को सुनने के लिए। और साथ ही साथ एक चीज और हम बता दें, इमरान प्रताप गली भारत के पूरे एक मशहूर शहर भी है और उनको सुनने के लिए काफी लोग पहुंचेंगे। जी जी धन्यवाद जयंत जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। अध्यक्ष जिला में इमरान प्रताप गड़ी जी का कल फोन से बातचीत हुआ, उन्होंने कहा कि आप रांची जाए, रांची जाकर देखे क्या तैयारी हो रही है। उमर खान जी जो प्रभारी है वो भी उन्होंने फोन किया कि आप सुबह सुबह आए, तो मैं यहाँ से कल सुबह 7 बजे आज सुबह 7 बजे निकला और 9 बजे रांची पहुंचा। रांची में हम लोगों ने पूरा भ्रमण किया, पूरा देखा स्टेज किस तरह बन रहा है प्रोग्राम, रांची के बरियातू मैदान में गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे और वो हमारे मुद्दा को लेकर के आ रहे हैं। हमने बार बार कहा था कि मोहन लाल सिंह के टाइम में 2017 में जो है रघुवर दास की सरकार बीजेपी की सरकार अल्पसंख्यकों के ऊपर रामगढ़ हो, धनबाद हो, बोकारो हो, पाकुड़ हो, जमशेदपुर हो, जहाँ जहाँ वेजिटेशन सरकार के खिलाफ करते थे वहाँ वहाँ केस होता था। आपको मालूम होगा 19 मई 2017 को जमशेदपुर में घटना घटी थी, हल्दी पोखर में 4 मुसलमान भाई को मार दिया जाता है, बागबड़ा में 4 हिंदू भाई को मार दिया जाता है बच्चा चोरी के नाम पर। और हमने ऐलान किया था कि रघुवर दास 25 लाख रुपया एक सरकारी नौकरी दे, नौकरी तो नहीं मिला लेकिन हम लोगों के ऊपर केस मुकदमा कर दिया गया कि सरकारी गार में बाधा पहुंचाने के लिए और हम लोगों को 8-8 महीना जेल में रहना पड़ा, हमारे लोग भी रहे उसी विषय को लेकर के। और आपको तबरेज अंसारी का जो सरायकेला में मॉब लिंचिंग हुआ था, हमने इमरान प्रताप गड़ी जी को कहा था, इमरान प्रताप गड़ी जी ने आकर के 5 लाख रुपये का मदद किया था। जमशेदपुर से कितने की संख्या में लोग जाएंगे कल सुबह रोड नंबर 17 कांग्रेस ऑफिस से 200 से भी ज्यादा 4 चक्का के साथ हम लोग रांची के बरियातू मैदान गांधी मैदान पहुंचेंगे और अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन में इमरान का प्रताप गड़ी के आवाज से आवाज मिलाने का काम करेंगे। इसी तैयारी को लेकर अभी तैयारी चल रही है। जयसील गारमेंट्स, यहां मिलेंगे आपको साड़ी, सूट, कुर्ती, लेगिंग्स, गाउन, दुपट्टा, किड्स वेयर, सूट, ब्लेजर, जींस, शॉर्ट, टी शर्ट, मोदी कोट, कुर्ता, पैजामा, इन सबों के फुल रेंज, भरपूर रेंज उपलब्ध है जयशील गारमेंट्स में।